तो अभी लगभग 12:30 हो चुके हैं, और किसी भी सफर में निकलने से पहले अगर आप ना सोएं ध्यान से सुनिए, तो आपका हाल ऐसा होता है, ये मुतरमा पड़ी हुई है तब से, सिमरन मैं ठीक नहीं हूँ, सिमरन मुझे सोने दे उसको नींद आ नहीं रही, सोना ये चाहती है। मैं सिर्फ 2 घंटे सोई। एंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग हर इज कि रेड बुल पी ले, आंखें ऐसे पटक करके खुल जाएंगी, बट आंखें खुल तो जाएंगी, बट मेरी नींद भी पूरी होनी जरूरी है ना, तो बेटर है ये जो सफर है इतना, इसमें बस दिस इज अप डाउन लेफ्ट राइट वाला सफर। हाउ एक्साइटेड आर यू मोना नाउ? एक्साइटमेंट है, आई वॉन्ट टू सी सम चेंज। ये पहाड़ ऐसे ऐसे तो मैंने देखे ही है, कुछ नया जो तो धर्मशाला और ये कांगड़ा वाले पहाड़ तो यार हमने देखे हुए हैं, ठीक है, कुछ नया जो हमें दिखाने लेके जाया जा रहा है वो आपको दिखेगा जब हम मनाली क्रॉस करेंगे, और जब आप स्पेसिफिकली अटल टनल से निकलेंगे क्रॉस होके। अच्छा, मतलब तब तक यही दिखेंगे, ऐसे ही पहाड़ दिखेंगे। चलो कोई नहीं, कम से कम मनाली तो देखे जाके। चलो जी, आई जस्ट वॉन्ट की कोई एक्टिविटी हो, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल, कुछ एक्टिविटी भी करें जाके। ऐसे पुल मिलेंगे तेरे को काफी उधर, मतलब उससे कुछ जगह थले नहीं प्लेटो वाले। अच्छा, उस पे तेरे को ऐसा लगेगा गाड़ी जाएगी भी कि नहीं जाएगी। मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर बाद डराया जा रहा है, एक एक साथ डराया नहीं जा रहा। हाँ, I'm preparing you, I'm preparing you. तो अभी जी फाइनली 2 बज चुके हैं एंड मोना बाहर आ गई है। देखिए मैडम के टशन चेक करिए, मैडम को टैनिंग नहीं होनी चाहिए, पर जहाँ पे मैडम जा रही है वहाँ पे कहाँ कहाँ से धूप घुसने वाली, तुम्हें पता नहीं लगने वाला। मुझे बहुत टैनिंग होती है। ए मोहतरमा तो मस्त सो वगैरह के उठी है, अपना तो सिर बहुत फट रहा है। तो अभी हमें पीछे आप देख सकते हैं यार, एक बंद छोले वाली दुकान वो पीछे देखिए, तो मस्त मस्त बंद छोले खाएंगे अभी। बंद चने होते क्या होते हैं, खट मिठे से है ना, चल कर फिर दे बोल, 2 बंद चने खाए फिर चले यार, चाय पीनी कहीं पे रुक के। जब मैं पहली 2 बारी लद्दाख गया था ना, तब भी कहीं पे 2 बारी रुक के मैंने इसी रोड पे 1 बंद चने खाए थे, 2 बारी अकेले। अब तेरे साथ अभी आगे कहीं पे चाय सही सी मिलता है ना, सिर ठीक हो जाए। अरे ढाबा नहीं मिल रहा ना। टिंग टिंग, सो दिस इज रेडी। तो अभी ना यार कुछ 3:30 हो रहे हैं, और हमने बंद छोले खाए थे, बंद छोले बहुत स्वाद थे। अब उसके बाद दिक्कत ये आ गई थी कि हम रात को सोए बहुत कम है, मेरा सिर एकदम ज़्यादा फट रहा है, तो सोई गई थी, मैंने आपको दिखाई दिया। और अभी हमने अपना सेटअप वगैरह लगा दिया, कुर्सियाँ वगैरह लगा दी है, रीजनेबल टेबल दिया है, ये हमारी डीकैथलॉन वाली कुर्सियाँ वगैरह हमने लगा दी हैं, सुन ना, कुर्सियाँ हमने अपनी लगा दी हैं, टेबल हमने अपना सेट कर दिया, चाय हमने अपनी करवा ली है फिक्स, साथ में खोल ली है रोटी, और अब हम खाने लगे। अब मेन हमारा इशू ये है कि गाड़ी मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, रात को लेट हो जाएगी मणिकरण पहुँचते। तो हम अभी सोच रहे हैं कि यार बीर बिलिंग रुक जाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठ के फिर हम निकलेंगे आगे मनाली की तरफ। तो अभी अब क्योंकि बीर बिलिंग रुक ही रहे हैं, तो जाके पता कर लेंगे कि पैराग्लाइडिंग होती है कि नहीं, ठीक है, अगर हो रही है तो क्या हम कर सकते हैं, आर वी लाइक हमारे में इतनी हिम्मत है करने की कि नहीं। मेरे में वो तो बहुत है कि हाँ, करना है, एक करना जरूर है। अरे गोवा में वो भी तो की थी, वो जो छुटकू से, पर वो भी तो हवा, वो भी तो हवा में थे, बट दिस इज असली। अरे मेरे को तो वैसे थोड़ा नीचे पानी था, गिर भी जाते तो कुछ नहीं होता, इधर तो गिरे तो गए। चलो भाई मिलते हैं आपको, वी होप इसके बाद हम आपको पैराग्लाइडिंग चाय पानी कर लें अपनी।
तो आओ जी आपको बीर बिलिंग दिखाएं। सो अभी मैं अंदर गया था तो मेरी ओनर से बात हुई, तो मैं आपको पूरा ना इधर सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ। दैट व्हाट द सिनेरियो इज, सो ये है जी प्रॉपर व्यू, ये आप देख सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर जो नीचे वाली प्लेस आप देख रहे हैं, ये वाली जहाँ पे हल्की हल्की धूप खिली हुई है, दिस इज बीर। एंड वो जो ऊपर आप पहाड़ियां देख रहे हैं, दैट इज बिलिंग। तो मेरी अभी हाँ ऊपर ऊपर वाली जो जगह है वो बिलिंग है, और नीचे वाली जगह जो है बीर है। हाँ तो यहाँ से होती है प्रॉपर पैराग्लाइडिंग ना, तो ऊपर से आते हैं और यहाँ कहीं पे लैंड कराते हैं नीचे कहीं पे। तो अभी ऊपर देखना मौसम कितना खराब है, तो अभी किसी भी वे में वो कह रहे हैं होगी नहीं, तो अगर होगी भी तो सुबह ही होगी। होगी सुबह कितने बजे? 7 बजे से शुरू होती है, तो हम देख लेते हैं क्या सिस्टम बनता है। अभी अगर रहना है कि चले आगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत घंटे सो बहुत सोच विचार के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम मणिकरण के लिए निकल रहे हैं। रीजन ये है कि बारिश बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो आज तो भीड़ हमारी हो नहीं सकती, सॉरी पैराग्लाइडिंग हो नहीं सकती। पैराग्लाइडिंग की ना यार कोई सर्टेंटी नहीं है, सीधी सी जौन सी बात है। अभी भी जो बिलिंग है वहाँ पे मौसम बहुत खराब है, और कल सुबह की भी कोई सर्टेंटी नहीं है। साफ भी हो सकता है, अगर साफ हो गया तो सुबह 6-7 बजे से वो ग्लाइडिंग शुरू करा देते हैं। मतलब मोटा मोटा लगा लो, अगर हम सबसे पहले ग्लाइडर्स भी होंगे वहां पे, तो हमें बीर बिलिंग से ही निकलते निकलते 10 बज जाएंगे, और फिर वही शाम हो जाएगी मणिकरण पहुंचते पहुंचते, या मणिकरण स्किप करके मनाली पहुंचते पहुंचते। तो इससे अच्छा है कि आज ही वो हम मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है कर ले, हमारा मणिकरण भी हो जाएगा, और मणिकरण से मनाली इज नियरली 70 किलोमीटर। तो कल सुबह हम मनाली भी, मतलब कल का दिन हमारा अच्छा मनाली में भी स्पेंड हो जाएगा। बट वी आर टू लेट, हम 7 o'clock का हमारा जो टारगेट था वो अब 2 घंटे खराब हो गया हमारा, बिकॉज वी थॉट कि हम यहीं रहते हैं। वो तो अच्छा है मैंने इनसे पूछ लिया, नहीं तो फिर आज इधर ही रह रहे थे। अगर अंदर चले जाते तो रहना पड़ना था, रेस्ट हो जाती बट वेस्ट हो जाता डे, कुछ खास हमारा सफर कवर नहीं होता। चलो जी अब हम सीधा आपको मिलेंगे मनाली, सॉरी मणिकरण। एडवेंचर स्टार्ट्स हियर। एडवेंचर नहीं है ये, मतलब बीच में छोटा सा पैच आया है जो कि बहुत ही गंदा भी नहीं है, बहुत ही अच्छा भी, मतलब ठीक ठीक है, रोड नहीं है। ध्यान से हमने अपनी गाड़ी को बचाते हुए जाना, लोग धुआं मार रहे हैं। आ गई टारमैक, आ गई आगे, वो देख सड़क आ गई। पर इस सड़क को हुआ क्या था? अरे बीच में रिपेयर वर्क नहीं होता, बस दैट है। बहुत टेंशन लेता है ये औरत। तुमने बताया दर्शकों को कि तुमने ये छोटूशा क्यूटूशा दीदी दीदी पाए? इसका इसका नाम बताओ क्या? डिंग डिंग पाए, डी डी पाए। तो ये जब भी ऑन होता है ना बोलता है डिंग डिंग पाए। ये कौन सा डैश कैम कहते हैं इसको? डैश कैम किया जी, इसका नाम है डिंग डिंग पाए, एंड इट ऑलवेज से हाय डिंग डिंग पाए जब ये गाड़ी ऑन होती है। तो अभी यार पता नहीं कितना टाइम हो गया, ये आर्मी का एक बहुत ही तगड़ा वाला कॉन्वॉय है जो चल रहा है। एक एक ट्रक को ओवरटेक करना हिल्स में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिंगल लेन है, आगे से भी लोग आ रहे हैं, और ट्रक भाई साहब इनको तो ओवरटेक कर नहीं सकते। अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे जहाँ पे भी थोड़ा सा पास मिलता है वहाँ पे कोई आगे से खड़ा होता है आने के लिए। तो दैट इज इट, द टाइम इज नियर अबाउट 6 एंड वी आर स्टिल 3.5 hours अवे। मतलब कहने को 90 किलोमीटर जाना है, 3.5 घंटे लगेंगे। अब इसमें फिर रीरूट कर देना भाई, हमने नहीं रिलाय करना इस गूगल माता पे, बिकॉज ये बिल्कुल गलत गाइड करती है। जो भी लोकल जो लोग हैं उन पर रिलाय करें, उनको पूछें। अभी हमें ये चंडीगढ़ का रास्ता बता रही थी मैडम, और हम लोग चले थे जी मणिकरण सोच के, पता नहीं खुदा जाने कब हम पहुंचेंगे। तब से मैं बस 3.5 घंटे ही देख रही हूँ। टेक मी टू कसौल। She doesn't have an answer. She will like. चलो जी बस 8 मिनट कम हुए तब से, पिछले 1 घंटे से मैं 3.5 घंटे देख रही हूँ।
पता नहीं कब पहुंचेंगे हम. इट वॉज अ हेक्टिक डे बट चलो अगर कुछ कल बहुत अच्छा दिखने को मिलता है तो आज का सफर जो है वो वर्थ टायरिंग होगा. अभी अगर तो टाइम मिला अभी जाके अगर थोड़ी थकावट दूर हुई तो रात का एक बार मतलब डू यू थिंक कि थकावट दूर एक आधा घंटे हो जाएगी. चलो विल सी विल नॉट मेक एनी व्हाट डू वी से अजम्पशंस. सो जी ये है सड़कों का हाल बिकॉज वी आर ऑन मनाली रूट और काम चल रहा है कोई यहाँ पे. ओह गॉड मुझे लगा रफ पैच खत्म हो गया बट नो वे मोर टू गो. वो देखो जेसीबी लगी हुई है काम चल रहा है वहां पे. एंड एज वी आर ऑलवेज लेट वी आर वेरी वेरी लेट. नाइट ड्राइविंग करी जा रही है जो हम सोच रहे थे हम अवॉइड करेंगे बट चलो ये भी चैलेंजिंग है एडवेंचरस है. मिस्टर बिंद्रा जी हाउ आर यू फीलिंग? बहुत बढ़िया है ना. सुनना दिमाग की नसें थोड़ी सी फट रही है बट सब बढ़िया. आप दो बारी आए इस रूट पे बाइक पे बट नाउ यू आर कमिंग ऑन. हमें वहां से स्टॉप का इशारा दे दिया गया है. आई डोंट नो व्हाई नाउ ही इज आस्किंग अस टू जस्ट गो. ओके ये सारा काम चल रहा है मशीन्स वगैरह लगी हुई है बड़ी बड़ी. नहीं ये रोड बन रहा है या क्या है? मतलब टू लेन टू फोर लेन हो रहा है. अच्छा ओके फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा. मतलब वो जो डाइवर्जन थी ना चंडीगढ़ वाली हाँ हाँ वहाँ से लेके मनाली तक फोर लेन हो जाएगा मेरे को लग रहा है. तो हम तब आते जब ये फोर लेन हो जाता एक साल और वेट कर लेते. ये तो ले लद्दाख का एक्सपीरियंस आधा तो मेरे को इधर ही मिल गया. ओ गॉड बस हमारी गाड़ी सही रहे. हम यहाँ पे रुके थे एंड इतनी देर में सारा कॉन्वॉय जो है चला गया पास हो गया. तो अब हमें दोबारा से वही जद्दोजहद करके उनको पार करते हुए किसी तरह मणिकरण साहब पहुंचना. अरे भाई ड्राइवर साहब का की हाल चाल? अभी तक तो हाल बढ़िया ही है. मतलब जो सुबह सिर फट रहा था ना अभी थोड़ा सा आराम मिला. चलो अभी मेन आराम तभी मिलेगा. एंड एनर्जी ड्रिंक ले लो अपना रेडबुल ले लो. रात को रेडबुल ले लो. चलो जी लेट्स सी व्हेन वी रीच. आज तो हमारी एक यही लड़ाई है कि हमने टाइम पे कैसे पहुंचना. ओह गॉड कभी देखा था ना ऐसे कितना सही है ना. सही तो है पर कैसे बना इतना डरावना क्यों है? डरावना इसीलिए तेरे को लग रहा है बिकॉज ये प्रॉपर कटिंग करके बना हुआ है और इस पे कोई प्लेन परत नहीं चढ़ाई है ऐसे ही जैसे प्लास्टर टाइप रॉ है. हाँ शॉर्टक्रीट टाइप कुछ कर दिया हो कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में वो हॉन्टेड हाउस ना एंटर करते थे. हाँ वैसी वाली फीलिंग आ रही मुझे. सही है ना कितना बढ़िया एकदम जबरदस्त. क्या नाम है इसका सुरंग? पता नहीं यार ऑन दी मनाली हाईवे आती है बट चीज बड़ी जबरदस्त लगी ना मेरे को. मतलब मोस्टली जो टनल्स वगैरह देखते ना वो तो एकदम प्रॉपर तरीके से बनी होती है ना. प्रॉपर तरीके से तो ये भी बनी है बट ये जो इन्होंने किया है इधर ये देखना जैसे ये दिस इज प्रॉपर लाइक दिस. ये मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट. हाँ मे बी बट दे शुड कीप इट रॉ दे शुड टेक यू नो एडवाइस फ्रॉम अस. मतलब जनता जनार्दन है भाई. जनता से पूछो जनता को क्या पसंद है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ऐसे रॉ एक यूनिक चीज हो गई है. हम आ चुके हैं वॉपर्स हॉस्टल और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर यार पता करता हूँ कि कमरा वगैरह है कि नहीं. यहीं पे ठहर जाएंगे यार सुबह आगे चल पड़ेंगे. कसौल यहाँ से 5 किलोमीटर है
आ गई और मणिकरण लगा लीजिए 10 किलोमीटर है। सुगंधा स्वेटर पहन रही बिकॉज बहुत ठंड बड़ी है। चलिए मोहतरमा आइए ठंड में, इससे कुछ नहीं होने वाला, छोटे से स्वेटर से बाल बहुत ठंड है। आजो 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 आजो, दिस लुक्स आई थिंक इट इज गुड। ठीक ठीक है यार, ज्यादा नहीं है, बंद कर दी। चलो तो यार हम अब इधर आए थे तो यहाँ पे कोई भी लूम खाली नहीं है, तो हम आगे जाएंगे, अब आगे जाके देखेंगे। हाउ वाज द कोल्ड? वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। सो इट इज ऑलमोस्ट 11:05 एंड दिस इज दी हालत ऑफ आवर कार। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 घंटे हमने चला ली है गाड़ी। गाड़ी की हालत एकदम मतलब कह लीजिए पूरी की पूरी मिट्टी से भरी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको सुबह हम नेक्स्ट डे दिखाएंगे क्या हालत है। और दिस इज द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग इन, दिस इज होटल हैंगआउट। काफी सही रूम हमें यहाँ पे मिल गया। और अभी का चक्कर ये है कि दिस इज द बेस्ट दैट वी कुड गेट इन कसौल, न्यूली बिल्ट। मौका मिला है हैंगआउट कसौल का कैफे दिखाने का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा शांत हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो वी आर दी लास्ट वन ओवर हियर। मतलब काफी अच्छा बना रखा है यार, इट्स ऑल वुड दैट दे हैव यूज्ड। एंड हम यार थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे, जो है लाइव म्यूजिक भी था, लाइव म्यूजिक के लिए हम लेट हो गए थे, बट कोई बात नहीं, फिर कभी सही। एंड एक और चीज देखिए, इनका एक आउटसाइड हैंगआउट भी है, एक सेट आउट भी है, बड़ा ही प्यारा सा है ये। देखो ये छोटा सा सेट आउट है इनका बाहर का। दिस इज व्हाट ऑल इट इज, बॉनफायर के लिए जगह रखी हुई है। और ये देखिए भाई साहब, प्रॉपर चिल मोड, प्रॉपर चिल मोड इज ऑन। चलिए जी अब हम आपको अपना रूम दिखाएंगे, फटाफट अपने रूम में चलते हैं मोहतरमा हमारी। सो हेलो जी, आज है 10 अक्टूबर और हम फाइनली रोटी रोटी खा के हम चेक इन कर रहे हैं। ये कुछ होटल है हमारा, आप देख सकते हैं, और ग्रैंड एंट्री, रिसेप्शन 360 में, और क्या, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया। हम 360 कैमरा रिकॉर्डिंग करेंगे आज। चलिए, सो एवरीथिंग इज लाइक, आई रियली लाइक दिस स्टफ, नो ये जो वुडन वर्क इन्होंने किया है। एंड रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपको भी हम दिखा देंगे, बहुत ही बढ़िया है। तो दिस इज दी रूम। एंड वाईफाई का बंदोबस्त तो कुछ इतना जबरदस्त है कि हमारे रूम के ऊपर ही है वाईफाई। एंड दिस इज दी एक्चुअल रूम। वाह जी वाह, यू हैव दी अलमिराज, कंबल कुंबल सब पे है, यू हैव अ टीवी, यू हैव अ ड्रेसिंग, एंड चाबी कैसे निकलेगी, यू हैव दी वॉशरूम, गुड इनफ वॉशरूम, गीजर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, शावर है, और भाई साहब क्या चाहिए बताइए आप, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुगंधा बेड कैसा है भाई? वो
अरे ये तो पूरा नीचे चले गया है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, है ना। बस यही दुखद घटना हुई। मतलब एवरी होटल भी चेक इन इसमें तो जैसे स्प्रिंग मैट्रेस हो ना, शुड बी लाइक व्हाट डू वी से, क्या कहते हैं यार उसे जो हम हमारे पास है, ऑर्थोपेडिक होनी चाहिए यार। ये व्यू तो हम देखना चाहेंगे। अभी तो बंद कर दिया उन्होंने सब, मुझे सुबह अच्छा आएगा ना। हाँ तो चलो जी, इसी के साथ हम अपना जो आज का सफर है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए आप हंसते रहिए और खुश रहें। बाय बाय।